है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के लिए प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, केबीएस हो, डीएसएसबी हो, जेएसएससी हो, टीजीटी, पीएचटी, एलटी, जीआईसी एटसेट्रा, किसी भी टीचिंग एग्जाम में जहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पेपर देते हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके बीच में लेकर के स्टडी विद प्रदीप की तरफ से मैं उपस्थित हूँ। आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपको मिलता है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की यह श्रृंखला है और ये आपके टोटल 10,000 क्वेश्चन हैं आपके जूलॉजी और बॉटनी को मिला करके। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, इस पर व्हाट्सएप करके आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज देना है। आपको बता दें कि यह आपको जो है 20 जून तक पूरी श्रृंखला आपको मिल जाएगी। 10,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर टॉपिक वाइज आपको दे दिए जाएंगे। किसी किसी सिलेबस में हो सकता है वह टॉपिक आगे हो और किसी किसी सिलेबस में हो सकता है वह टॉपिक पीछे हो, बाकी टोटल ए टू जेड सभी टॉपिक आपको यहाँ पे इंक्लूड करके दे दी गई। ठीक है, तो चलिए आज जिस टॉपिक पे हमको चर्चा करना है वो टॉपिक है कोलेंट्रेट्स या कोलेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा, जो भी आप उच्चारण में करते हो। कोलेंट्रेट्स कोलेंट्रेटा हम बोलते हैं, आप उच्चारण में जो भी करते हो उसे आप जानते हैं। आप सबको पता है कि जो कोलेंट्रेटा है ये आपका टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनिन होते हैं, इनमें कई चीज़ें आपने पढ़ा है, क्लासों में जाना है। हम डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं जो डायरेक्टली आपको पढ़ने में वह आंसर एक बार लगेगा कि यार गलत है, लेकिन गलत नहीं है, यहाँ पे टर्मोलॉजी का खेला है और यही गलती हम लोग अपने एग्जाम में करते हैं। हमें जो जैसे हमने एनसीईआरटी पढ़ा है वहाँ पे पढ़ा है या आपने कोई साइड बुक पढ़ी है या नोट्स पढ़े हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही, नहीं गलत नहीं है, उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे, गूगल करेंगे तो पता चलेगा नहीं यही एग्जैक्ट आंसर है। ये प्रश्नों के आंसर या तो आपके जो बोर्ड हैं उनके द्वारा सही माना गया है या आपके ऑथेंटिक बुक में यही आंसर सही दिया गया है जहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अब मैं एक एक प्रश्नों पे आते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द सेबरल इंडिविजुअल इज नोन एज, कह रहा अलग अलग ऑर्गेनिम्स के बीच में जो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है तो उसे लेबर डिवीजन तो कह नहीं सकते, वाइटल एक्टिविटी कह नहीं सकते क्योंकि इंडिविजुअल है और वाइटल एक्टिविटी एक ही बॉडी में होती है। अक्सर छोटी किताबों में या एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर लिखा गया है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन इंडिविजुअल के बीच में पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये सही एग्जैक्ट आंसर है और इसे केबीएस ने सही माना है। यह प्रश्न डीएसएसबी में भी पूछा गया, वहां पे भी सही माना गया, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग, पॉलीमॉर्फिज्म किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो यहाँ पे स्नेल सिर्फ एक ऐसा आंसर है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यहाँ पे कोलेंट्रेट्स आपका एक आंसर है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। ये आंसर इसका गलत लग गया है, कोलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को आपको मिलती है। ये आंसर आपको पीडीएफ भेजा जाएगा तो ये आंसर सही करके भेजा जाएगा, आंसर यहाँ गलत लग गया है, यहाँ पे जो है कोलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ जब जाएगा तो वहाँ पे इसका आंसर सही होगा, आंसर आपका स्टार के रूप में लगाया गया है तो आप इसे इस समझ सकते हैं। ठीक है, व्हिच जॉइंट इज जनरली मोटाइल, देखिए दो तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि दो जॉइंट्स पाए जाते हैं। अगर सिंगल जॉइंट्स किस में पाया जाता है, एक का नाम होता पॉलिप, दूसरे का नाम होता मेडूसा, उसमें दिया है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिम होते हैं जिसमें एक ही जॉइंट अवस्था पाई जाती है जिसमें कि आपकी पॉलिप होती है, किसी किसी में जो है मेडूसा पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिम है जिसमें दोनों पाया जाता है, जैसे ओबिलिया की वहाँ पर चर्चा की गई, एक ओबिलिया में दोनों पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हैं और इनमें पॉलिप से मेडूसा का जो डेवलपमेंट होता है और मेडूसा से पॉलिप का डेवलपमेंट होता है। ये बातें आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आप पढ़िए एनसीईआरटी, मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन हाँ ठीक है टीचिंग एग्जाम के लिए वो शॉर्ट है, कम है, रिवीजन है एक तरह से, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट तो आएगा, टर्म तो आएंगे, वह टर्म आपको डिस्क्राइब करते करते धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो ये इसमें अब आपको बताना कौन मोटाइल होता है, कौन नॉन मोटाइल होता है, या आप ये बताइए किस्म कौन फ्री स्विमिंग होता है, कौन जो है सेसेशियल होता है, मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला होता है। अब आपको बताना, तो यहाँ पे फ्री स्विमिंग कह लीजिए, मोटाइल कह लीजिए, वो कौन होता है, मेडूसा होता है।
अच्छा यही चीजें आपको वहां पे बताई गई होंगी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एक जो है एसेक्सुअल करता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सेक्सुअल करता है कौन एसेक्सुअल करता है, सेक्सुअल से किससे दूसरे का जन्म होता है और किससे एसेक्सुअल से दूसरे का जन्म होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है, ये आपके पीजीटी लेवल के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला तो पीजीटी लेवल का था। देखिए गैस्ट्रोजॉइट्स, गोनोजॉइट्स, उसके बाद डेक्टियोजॉइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये तीनों जॉइट्स जो हैं गैस्ट्रोजॉइट्स, गोनोजॉइट्स और डेक्टियोजॉइट्स, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, आप इसके लिए आरएल कोटपाल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अब जब आप कोलिनट्रेटा पढ़ते हैं तो उसे लिखा जाता है डाईमार्फिक या पॉलीमार्फिक, लेकिन ना तो ये डाईमार्फिक है ना ही पॉलीमार्फिक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं ट्राईमार्फिक कहते हैं, चूंकि तीन कैरेक्टर्स हैं। और हम गलती कहाँ आप करते हैं, हमारे दिमाग में पॉलीमार्फिक रहता है और हम एग्जाम में पॉलीमार्फिक लगा चले जाते हैं, गलती हो जाता है, तो सही आंसर है ट्राईमार्फिक। गैस्ट्रोजॉइट, गोनोजॉइट और डेक्टियोजॉइट्स को हम लोग क्या कहते हैं ट्राईमार्फिक स्टेज कहते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप, पॉलिप का मॉडिफिकेशन किस में हो सकता है, मतलब किन किन अवस्थाओं में पॉलिप डिवाइड हो सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पॉलिप का मॉडिफिकेशन पूछा है, पॉलिप का मॉडिफिकेशन इन्हीं तीनों में होता है, गैस्ट्रोजॉइट्स में, डेक्टियोजॉइट्स में और गोनोजॉइट्स में, इन तीनों में होता है। ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, पॉलिप जो है ये गैस्ट्रोजॉइट हो जाते हैं, डेक्टियोजॉइट्स में हो जाते हैं, गोनोजॉइट्स में हो जाते हैं, ऑल ऑफ दीज। देखिए मित्रों मैं आपको बार बार कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ, पिछली बार हम थोड़े जल्दीबाजी में आपके जो प्रश्न लिए थे किताबों से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर के हमने आपको बता दिया था, करवा दिया था, और 70 से 80 प्रश्न मिले थे जबकि हम सब मिला जुला के 24 वीडियो ही किए थे पिछली बार। इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि हम 10,000 प्रश्नों को लेके आ रहे हैं और इन प्रश्नों को हर तरीके से हम लेके आ रहे हैं, मतलब कोई भी स्टेप छूट नहीं रहा है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए इसका अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गैस्ट्रोजॉइट, गोनोजॉइट, डेक्टियोजॉइट, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने तुरंत आपसे पूछ लिया कि पॉलिप में इनका क्या काम है। बहुत परिश्रम से बना रहा हूँ, बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से ढूंढता हूँ एक एक प्रश्नों को और उनको ऑथेंटिक रूप से चेक करता हूँ कि भाई सही है कि नहीं, गूगल क्या कह रहा है और आपकी किताब क्या कह रही, फिर उन्हें ढूंढ करके लिखना, फिर उसका टाइप करवा करके आप तक पहुँचाना, परिश्रम बहुत है। और इस परिश्रम का एक ही बस रिजल्ट हमें इतनी चाहिए कि आप हमें जब रिजल्ट आए तो आप हमें फ़ोन करके कह दें कि सर आई एम सिलेक्टेड, बस इतना सुनना चाहता हूँ कि आपके जुबान से इतना आ जाए कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे इस बात से ज़्यादा तसल्ली वो 99 रुपीज़ में नहीं, जो आप 99 देंगे उसमें उतनी तसल्ली नहीं जितनी तसल्ली इस बात से कि आप जब रिजल्ट आपका आए तो, और रिजल्ट आने के बाद आप फ़ोन करें और मैसेज करें और वहाँ पे आपने अपनी मार्कशीट को भेजें और कहें कि मैं इस लिस्ट में प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, 10वें स्थान पे, 12वें स्थान पे मैं हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया, उस दिन ये मेरे परिश्रम सफल होगी, जो कई घंटों की परिश्रम है जो आपके सामने बहुत छोटे से क्वेश्चन के रूप में आती है, ये परिश्रम उस दिन सफल होगी, उस दिन मुझे लगेगा कि मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ। 99 तो बस मैं अपने सर्वाइवल के लिए ले रहा हूँ ताकि मैं जिससे टाइप करवा रहा हूँ उसे पेमेंट कर सकूँ, उसको दे सकूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेस में ना आऊँ ताकि मैं अच्छी चीज़ों को पढ़ सकूँ, अच्छी चीज़ों को कलेक्ट कर सकूँ। लेकिन आपका सिलेक्शन शायद मेरी खुशी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि यहाँ पे मेरा लक्ष्य ही आप देख पा रहे होंगे, आपकी जीत ही हमारी जीत है, ये हमारा मोटो है और इस मोटो पे मैं काम कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखिए भी, अपने मित्रों तक पहुँचाइए भी, आप सब एजुकेटेड हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सब ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, आपके पास एक कैलिबर है कि इन प्रश्नों को आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के सेट करने के नेचर को सीखना बहुत आवश्यक है। जहाँ गलती होती उस गलती को सही करने की आवश्यकता है, सिलेक्शन तो बड़े आराम से हो सकता है। जो आपका काम बहुत ब्रॉडली है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, उन काम को आसान करने का मेहनताना आप 99 रुपये जरूर दीजिए और जरूर पीडीएफ को परचेज करिए, आपके लिए लाभदायक। मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ, 20 जून तक आपको पूरी श्रृंखला मिल पाएगी,
कुछ चीजें जो अभी तैयार है, इनवर्टिब्रेट का तैयार है, तुरंत आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे तैयार होता जाए, साइटोलॉजी तैयार होने की कगार पे आपको मिल जाएगी। जेनेटिक्स में अभी टाइम है, जेनेटिक्स में अभी कुछ चीजें बची, जैसे कि उसमें जो है पॉलीट्रॉपिज्म ये सब बचा हुआ है, अभी आपका सिंड्रोम्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे जेनिटल डिजीज कुछ बची हुई है, तो वो अभी जेनेटिक्स में मामला लेट है। विजुअलॉजी में डाइजेशन हो चुका है, रिस्पायरेशन हो चुका है, एक्सक्रीशन हो चुका है, तीन टॉपिक हो चुके हैं, अभी आगे की टॉपिक पेंडिंग है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो रही हैं। वहीं पे प्लांट की अगर बात कर लें तो माइनर बॉटनी का काम लगभग लगभग हो चुका है, कल ब्रायोफाइटा की टाइपिंग हो रही थी, ठीक, उसके आगे का मामला फंसा हुआ अभी, यानी वो पूरा एक एक सेट बना करके आपको दिया जाए, जैसे यहाँ आप देखिए तो आप पूरा ये पूरा बहुत लंबा सेट है, इसी तरह से ताकि आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट हम कन्वर्ट करके देंगे, ये तो थोड़ा बड़ा फॉन्ट रखा गया ताकि आप मोबाइल से पढ़ सकें और आराम से आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, ताकि छोटी साइज में होगी तो आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप हमें फ़ोन करें और कहें कि आपका सिलेक्शन हो गया, मुझे खुशी होगी ये सुन करके। चलिए अगले प्रश्न पर, टाइम पास नहीं करते चूँकि समय बहुत कीमती। मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा, मेड्यूसा का रूपांतरण किस में होता है? अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर आपसे पूछा कि भैया पॉलिप का रूपांतरण कैसे होता है, आपने कहा कि भाई ठीक है, ठीक, अब लोगों को मैं भैया दीदी बोल देता हूँ, मेरी शैली में थोड़ा सा है तो कुछ लोग गुस्सा करते हैं कि मैं आपसे छोटी हूँ, दीदी मत कहिए, तो भैया बहनी सभी लोग ध्यान से सुनिए ये प्रश्न जो है आपका। अब देखिए मैंने ऊपर पॉलिप पूछा, यहाँ पे हमने आपसे मेड्यूसा पूछा, ठीक है, तो इसलिए मैं मित्रों कहता हूँ लेकिन कुछ लोग उसमें भी बुरा मान जाते हैं, ठीक है, तो मेड्यूसा में जो है आपका पॉलीजॉइट्स हो जाएगा, नेक्टोफोर हो जाते हैं, निमेटोफोर हो जाते हैं, और ये तीनों संरचना किस में बनती हैं? मेड्यूसा से बनती हैं, इसलिए मेड्यूसा की इन तीनों को याद कर लीजिए। अब हो सकता है कि आपके प्रश्न में इन तीनों को रख दें और उसके बाद कह दे भैया दो इसको रख दे, एक ऊपर वाले से रख दो, कह दे कि कौन सा मेड्यूसा से नहीं बनता है। अब इतनी तो लॉजिकल रीजनिंग आपको लगानी पड़ेगी, चूंकि ऐसे प्रश्न जरूरी थोड़ी ना कि वही सेम टू सेम आ जाए। ये चीजें मैंने उसे कलेक्ट कर दिया, भाई देखो हो सकता है प्रश्न जब वो बनाए तो कहे हुई चीज नॉट प्रेजेंट इन द मेड्यूसा, और इन तीन दो को रखे या तीन को रख दे और यहाँ पे जो है पॉलिप वाला कोई रख दे और आपसे पूछ ले कौन सा मेड्यूसा से नहीं बनता, तो भाई वो आपको केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कोरेलाइट्स इज एन, कोरेलाइट्स क्या होता है, कह रहा है कोरेलाइट्स क्या है, स्केल्टन ऑफ द सॉलिटरी कोरल, कह रहा है कि जो सॉलिटरी कोरल्स हैं उसके स्केल्टन को कोरेलाइट्स कहते हैं। प्रोटोथीका इज ए, प्रोटोथीका क्या है, प्रोटोथीका क्या है, स्केल्टन रूडिमेंट्स हैं, स्केल्टन रूडिमेंट्स हैं, प्रोटोथीका कहा जाता है इन्हें। रीफ आपने सुना होगा, बैरियर रीफ, कोरल रीफ, ऐसे नाम आपने सुने होंगे, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, कह रहा है रीफ जो बनती हैं यानी कोरल रीफ जो बनती हैं, कोरल किसे बनता, मूंगा की चट्टान, आपने नाम सुना होगा ना मूंगा की चट्टान, तो जो रीफ बनती है, रीफ बिल्डिंग कोरल, कौन सा ऐसा कोरल है जिससे रीफ बनने के लिए जो वाटर का टेम्परेचर यानी वार्म, कितना गर्म होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, ये हमसे पूछा जा रहा है। सीधे सीधे प्रश्न को कहें, कह रहा है भैया देखो रीफ बनाने के लिए, कोरल रीफ बनाने के लिए वाटर का टेम्परेचर कितना डिग्री होना चाहिए। देखिए वाटर कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पर होता है, वाटर कैसा रहता है, रूम टेम्परेचर पर रहता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कई बार गर्मी के दिनों में पानी का लेवल गर्म हो जाता है, ठंडे दिनों में फ्रिज होने लगता, ऊपरी सतह गर्म होने लगती है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर तो नहीं, उससे हल्का सा कम रहेगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, तो आराम से कोरल का फॉर्मेशन उस वाटर में हो सकता है। मोस्ट नोटेबल एग्जांपल ऑफ द बैरियर रीफ, कह रहा है बैरियर रीफ का सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाने वाला जो एग्जांपल है वो कौन है, ग्रेट बैरियर रीफ है। आप कमेंट करके बताइए, आप सी टेट वगैरह पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे, यूपी टेट पढ़ते होंगे, या आप एमपी टेट, बिहार टेट या झारखंड टेट जहाँ के होंगे पढ़ते होंगे, तो आप ये बताइए हमें कि भैया कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाई जाती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, 10 करके आगे लिखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है, मुझे भरोसा है कि आपका आंसर सही आएगा। निमेटोसाइट आर फाउंड इन, निमेटोसाइट किस में पाई जाती है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, निमेटोसाइट कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। पोरीफेरा में निमेटोसाइट कहाँ पाई जाती है, पोरीफेरा में क्या पाया जाता है जल्दी बता दिए, पोरीफेरा में पाया जाता है आपकी कौन सी कैनाल पाई जाती है जल्दी बताइए, पोरीफेरा पोरस बॉडी होती है इसलिए जाना जाता है, वहाँ पे आपका दो माउथ पाए मतलब दो ओपनिंग होती है, एक को आप लोग क्या कहते हैं याद करिए, पोरीफेरा में, पोरीफेरा में कौन से कैनाल, अच्छा पोरीफेरा का जो स्पाइन होता किसका बना होता है यही कमेंट कर बताइए।
तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कोलेंट्रेटा, प्लेटेल में थी एनेलिडा है नहीं, कोलेंट्रेटा आपका सही आंसर है। ठीक है, मेजेंट्रीज अटैच टू द स्टोमोडियम आर नोन एज, कह रहा है मेजेंट्रीज जो हैं ये स्टोमोडियम से अटैच होती हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी कहते हैं, क्या कहा जाता है प्राइमरी कहा जाता है। फंक्शन ऑफ द डेक्टिलोजॉइड्स इन पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी में जो पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है डेक्टिलोजॉइड का कार्य क्या होता है। अभी ऊपर डेक्टिलोजॉइड आपको मैंने बताया था पॉलिप में डेक्टिलोजॉइड पाया जाता है, अब यहाँ पर उसका फंक्शन बता रहा हूँ। देखिए क्या करता है, ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है, अब तो याद रहेगा डेक्टिलोजॉइड का काम क्या है, ऑफेंस एंड डिफेंस का। मित्रों जो नोट्स मैंने आपको भेजे, एक बात मैं और छोटा सा एक 30 सेकंड लूँगा, जो नोट्स मैंने आपको पहले से भेज रखा है उस नोट्स में जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उस नोट्स को एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा नोट्स आपका प्रिपेयर किया गया है। दूसरा जो आपका एक नया पैटर्न, नया सिलेबस, नई रणनीति के साथ हम आने वाले हैं, नई क्लास, नया व्यवस्थित क्लास लेके आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। टाइम इसलिए कि थोड़ा सा सिस्टम है नहीं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में बड़ा परिश्रम हो जा रहा है, थोड़ा सा सिस्टम बिल्डअप करना है तो उसके बाद हम लेके आएंगे। और पूरी इनवर्टिब्रेट, पूरी वर्टिब्रेट, उसके बाद आपकी पूरी फिजियोलॉजी, पूरी मतलब सब कुछ A to Z आपको एक बेहतरीन क्लास, वह भी निःशुल्क, वादा है क्लास टोटल निःशुल्क करूँगा। PDF के लिए जो भी खर्चा मैं आपसे लेता हूँ और वो भी बहुत मिनिमम, टोटल निःशुल्क क्लास होंगी बहुत जल्दी, हमारा प्रयास है 7 अगस्त तक हम उसको लेकर के आएंगे। और उम्मीद है कि हर बहन के लिए जो है रक्षाबंधन का तोहफा इस बार दे दूंगा, घबराइए मत, इस बार आपके लिए हम लेकर के आ जाएंगे। और इस साल आप इसी तरह से थोड़ी सी परिश्रम करके, थोड़ा सा पढ़ करके काम चला लीजिए ताकि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अपने भाई बहन, अपने बच्चों के लिए या अपने और कलीग के लिए, जानने वाले के लिए, अपने छोटों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए आप ज़रूर रिकमेंड करिए कि आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस आने वाली, नीट की भी क्लास और PhD की भी क्लास, एक एक टॉपिक कहीं से छूटने वाला नहीं, ये बात का मैं भरोसा आपको देता हूँ। जिसके लिए आप 10,000, 20,000, 25,000 ऑनलाइन बैच में देते हैं, 15,000, 18,000, वो चीज़ें आपको निःशुल्क मिलने वाली हैं। और बस नोट्स का यही 200-300 आपका नोट्स का लिया जाएगा, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट होगा। तो ज़रूर आप रिकमेंड करिए जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा से परिश्रम करना पड़ेगा कि आप प्रश्नों के माध्यम से ही हल करिएगा। ठीक है, अब समय मत गंवाइए, अब आइए आगे प्रश्नों पे चलते हैं। पॉलीमॉर्फिन इज फाउंड इन, अब बातें नहीं करेंगे, ठीक है, पॉलीमॉर्फिन इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है पॉलीमॉर्फिन, तो यहाँ पर देखिए ए आपका क्वेश्चन पूछा गया था हेली स्टेमा, ये DSSB में प्रश्न पूछा जा चुका है और ये हेलिस्टेमा जो है उसमें ऑप्शन रखा गया था, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, PhD लेवल का पेपर है और ये पूछा गया था आपके कहाँ पे, तो आपके वहीं पे पूछा गया DSSB में, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, इस प्रश्न पे ध्यान दे दीजिए, इसका नाम ऐसे हेलिस्टेमा जो है ऐसे याद कर लीजिए इसके नाम को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निमेटोफोर इज एबसेंट, निमेटोफोर किस में पाया जाता है, फिर देखिए यहाँ पे ये प्रश्न तो मुझे याद नहीं कहाँ का है, डाइफाइस में, ये जो है ये प्रश्न आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि जब आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक लेवल पे जाएगा तो वह क्वेश्चन टफ नेचर का हो जाता है, वहाँ पे सेपरेट कर पाना कठिन हो जाता है। और आपका निमेटोफोर इज एबसेंट इन, निमेटोफोर इन तीनों में तो पाया जाता है लेकिन डाइफेस में क्या होता है एबसेंट होता है, तो ये भी कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। अगला गोनोजॉइड्स विद द माउथ, गोनोजॉइड विद ए माउथ इज फाउंड इन, गोनोजॉइड्स में माउथ पाया जाता है और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फाइसिलिया में, विलेला में और पोरपीटा में, ऑल ऑफ द एबव, ये आपका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। हिप्नोटॉक्सिन आपने पढ़ा होगा हाइड्रा को, ये आपके NCERT में भी इस बात को मेंशन किया गया, हाइड्रा में कैपेबिलिटी होती है कि हिप्नोटॉक्सिक कर देता, हिप्नोटॉक्सिन आपने पढ़ा होगा, अच्छा एक नाम सुने होंगे काला जादू, कि बिहार के लोग काला जादू करते हैं, माफ करिएगा कि नहीं बंगाल के लोग ना, पश्चिम बंगाल के लोग काला जादू कर देते हैं, तो हिप्नोटॉक्सिन मतलब होता है कि आत्ममुग्धता दे देना, जैसे एक सेल्फी है ना, तो कभी चर्चा करेंगे, आप शॉर्ट वीडियो देखते रहिएगा, उसमें ये सब फालतू चीज़ें मैं करता रहता हूँ, ठीक है, काम की चीज़ें यहाँ करें। हिप्नोटॉक्सिन जो है एक प्रकार का मतलब अपने विष से मदमोह करने वाली बात है,
ये पॉइजनस फ्लूड होता है और किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है निमेटोसिस्ट के द्वारा। निमेटोसिस्ट आर्गन होते हैं, चाहे हाइड्रा हो विलिया हो, इसमें पाया जाता है। और निमेटोसिस्ट के द्वारा जो पॉइजन निकाले जाते हैं वो फ्लूड के रूप में होते हैं, और वह फ्लूड जो है क्या करता है, हिप्नोटॉक्सिक टाइप का होता है। याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। आगे आइए, गैस्ट्रिक फिलामेंट अकरिन, गैस्ट्रिक फिलामेंट किसमें पाई जाती हैं? तो गैस्ट्रिक फिलामेंट पाई जाती हैं किसमें? तो पाए जाते हैं आरेलिया में। गैस्ट्रिक फिलामेंट किसमें पाए जाते हैं? आरेलिया में। एनसीईआरटी में भी और साइड बुक में भी इस बात में मेंशन है। जो आपके पास साइड बुक होगी, चाहे एबीसी की होगी, चाहे प्रदीप की होगी, चाहे आपकी रमेश गुप्ता की होंगी हिंदी मीडियम में, उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया है। तो आप आराम से उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी में तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेबिट्स फ्रेश वाटर बॉडीज, कह रहा कौन ऐसा है जो फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाता है? तो हाइड्रोजोइट्स जो है ये फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। ठीक है, द एनिमल विदाउट सेक्सुअल मेड्यूसा, कह रहा हुआ कौन सा एनिमल है जिसमें सेक्सुअल मेड्यूसा नहीं पाया जाता, यानी पॉलिप पाया जाता विद आउट, बिना होते हैं किसके, सेक्सुअल मेड्यूसा के, वो कौन है? हाइड्रा। मैंने शुरुआत में ये प्रश्न आपसे पूछा था कि आप बताइए किसमें सिर्फ मेड्यूसा पाया जाता है, किसमें सिर्फ पॉलिप पाया जाता है, किसमें दोनों पाए जाते हैं। तो देखिए, एक तो मिल गया आपको, आगे बढ़िए। रुक जाओ भाई, रुको भागो मत। हाँ, द फंक्शन ऑफ द टेंटाकुलोसिस्ट इन आरेलिया, टेंटाकुलोसिस्ट का जो फंक्शन आरेलिया में क्या होता है, टेंटाक्लोसिस्ट का फंक्शन आरेलिया में क्या होता है? तो बैलेंसिंग का काम करता है। देखिए आगे पढ़ेंगे ना तो स्टेटोसिस्ट आएगा, बैलेंसिंग का काम करता है, और यहाँ टेंटाक्लोसिस्ट है जो बैलेंसिंग का, बॉडी के बैलेंस करने का काम करता है, बैलेंसिंग आर्गन है। ठीक है, फ्लोट इज नॉट फाउंड इन, यानी कौन ऐसा है जो तैरता नहीं है, फ्लोट किस में नहीं पाया जाता? तो ओबिलिया में, एक जगह स्थिर रहता है, फ्लोटिंग नहीं करता। एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्ट कोरल, सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल कौन है? सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल है एल्साइनियम, एल्साइनियम जो है ये सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टेड विद द कोरल फॉर्मेशन, कह रहा कौन ऐसा है जो कोरल फॉर्मेशन से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, कोरल फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बताना है। फॉर्मेशन से जुड़ा हो तो आप कहेंगे मिलीपोरा, मिलीपोरा जो है एक कोरल फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद रेड कोरल का आपको साइंटिफिक नेम बताना है। ये आपका अभी तक का यूपी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। 3 से 5 बार ये प्रश्न यूपी में पूछा गया है। आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर सिल्पी का होगा आपके पास, उठा करके देख लीजिए। आपके पास सिल्पी नहीं होगी तो यूथ होगा, यूथ नहीं होगा तो आपके पास घटना चक्र होगा, कोई होगा, वहाँ देखिए 3 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया। हालांकि घटना चक्र यूथ ने तो फिल्टर कर दिया, लेकिन शिल्पी ने तो हर साल का पेपर दिया है। तो शिल्पी में देखिए आपको ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपसे। उत्तर प्रदेश टिजटी और पिजटी में दोनों में रिपीट हुआ है और दोनों में पूछा गया है। इवन ELT के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये है आपका कोरेलियम, कौन है? कोरेलियम है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, जो आपका यूपी में रिपीटेड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन की एक शैली है कि रिपीटेड एंड आर स्क्वायर फार्मूले पे काम होता है, रिपीटेड और रिलेटेड। तो रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ए सी एनिमोन इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द गैस्ट्रोपोडान सेल ऑक्युपाइड बाय द हर्मिट क्रैब, कह रहा कि हर्मिट क्रैब के साथ इनका रिलेशन कैसा होता है, तो उसे कॉमन सेलिज्म कहते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी है, ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े हो तो, और नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़ डालिए। जून की छुट्टी है, स्कूल कॉलेज ट्यूशन बंद है, दबा करके एनसीईआरटी पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा जरिया बनेगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, कुछ लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज ए फ्रेंड, एज ए छोटा भाई, बड़ा भाई, एज ए मित्र, एज ए ट्यूटर, आप कुछ भी मान करके मेरी सलाह, छोटी सी सलाह है, 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो भी ख़त्म हो जाएगा 20 जून तक। 2-2 घंटा आप समय निकाल करके पढ़ डालिए। हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ जरूर डालिए, अच्छे से पढ़ डालिए, और मेरे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आप जब पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ऐसा कर कोई चैप्टर है,
आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15 वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन में एक हेडिंग मिलेगी, वहाँ पे 5 प्रकार के आपके एसोसिएशन बताएंगे। मोचुलिज्म है वहाँ पे, कॉमनसलिज्म है वहाँ पे, आपका जो है कंपटीशन है वहाँ पे, प्रीडेशन है वहाँ पे, आपका जो है एक और होगा ठीक है एमेंसलिज्म है। इन 5 का आपको क्रम दिया गया प्लस माइनस करके, आप उसमें बता दी कॉमन सिलेज में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है, सिम्बियासिस में कैसा होता है, कंपटीशन में कैसा होता है, न्यूट्रलिज्म में कैसा होता है, ये तो पढ़ लीजिए लेकिन हमें कमेंट कर बताइए कॉमन सिलेज में कैसा सिंबल आपका बनता है, याद कर लीजिएगा ठीक है। और वहां पर देखिए कॉमन सिलेज में के कौन कौन से उदाहरण आपको पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, किताब में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबली रीजंस आर सच एंड द एसोसिएशन, कह रहा कौन सा ऐसा है जो प्रोबेबली रीजन के द्वारा एक दूसरे से अटैच है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि हर्मिट क्रैब बेनिफिटेड बाय बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द सी एनीमोन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर है। चलिए फ्रिंजिंग रीफ इज यूजुअली लोकेटेड, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी में जीआईसी लेक्चरर में कि फ्रिंजिंग रीफ इज द यूजुअली लोकेटेड, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह है वेरी नियर ऑफ द सीशोर, समुद्र के बहुत किनारे पाया जाता है। द लार्वा ऑफ फाइसेलिया इज, ये भी खूब पूछा गया, फाइसेलिया के लार्वा को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे प्लेनुला लार्वा कहा जाता है, क्या कहते हैं प्लेनुला लार्वा कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर द परमानेंटली सेसेंशियल साइफोजोन्स इज, तो आप कहेंगे ल्यूसिनेरिया, क्या कहते हैं ल्यूसिनेरिया कहा जाता है। और उसके बाद हेडबर्ग नहीं हेडेग हाइड्रॉइड्स कॉमनली नोन एज, इसे क्या कहते हैं हाइड्रेक्टिनिया, हाइड्रेक्टिनिया। फायर कोरल इज नोन एज, फायर कोलर किसे कहते हैं, किसको फायर कोरल के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे मिलीपोरा को फायर कोरल्स के नाम से जाना जाता है। द नेचर ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा का स्वभाव कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, तो आप कहेंगे हाइड्रा जो है कार्निवोरस होता है, हाइड्रा कैसा होता है कार्निवोरस होता है। मेजोलिया सिक्रेटेड बाई, मेजोलिया कहीं कहीं पे हिंदी में पढ़ेंगे ना मेजोग्लिया लिखा गया है, मेजोलोया पढ़ते हैं इंग्लिश में मेजोलोया ठीक है, जी को साइलेंट कर देते हैं यहाँ पे मेजोलोया, और ये हिंदी में मेजोग्लिया लिखा गया। देखिए ये है एक्टोडर्म, ये है आपका एंडोडर्म, और इसके बीच में एक मोटी सी लेयर पाई जाती है जिसे मेजोलोया कहते हैं या मेजोग्लिया कहते हैं। मेजोलोया में जो है ये एक्टोडर्म और मेजोडर्म बोथ को बनाती हैं, तो किसके बनी होती हैं, दोनों से मिलके बनी होती हैं, तो ये और यही मेजोलोया बाद में जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है एक्टोडर्म मेजोडर्म और एंडोडर्म यानी मेजोडर्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। आप डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द, अच्छा दो बार हो गया ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, तो मोस्ट सेंसिटिव रीजन कौन सा होता है, तो इसका माउथ का हिस्सा जो होता है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, जबकि टेंटिकल्स भी है, देखिए माउथ सही है। पेनेटुला जनरली नोन एज, पेनेटुला को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सी फैन के नाम से जाना जाता है पेनेटुला को। एक मिनट ये सब क्या क्या आ गया भाई, सी फैन के नाम से जाना जाता है पेनेटुला को, तो आपका सही आंसर होगा सी फैन। आगे विच इज आल्सो नोन एज मशरूम कोरल, किसे मशरूम कोरल के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, फंजिया कहा जाता है, मशरूम कोरल किसे कहते हैं फंजिया को कहते हैं। डेड मैंस फिंगर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी दिया गया है, एलसाइनियम को कहते हैं, किसको कहा जाता है एलसाइनियम को कहते हैं। कोलेंट्रेटा डिफर्स फ्रॉम द अदर एनिमल इन हैविंग, कोलेंट्रेटा दूसरे एनिमल से अलग होता है क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट का पाया जाना इसे दूसरे एनिमल से अलग करता है। फाइलम कोलेंट्रेट्स हैज रिमेंड एट द लेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम कोलेंट्रेटा में किस प्रकार का लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ट्रिसोग्रेड का लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
प्रीसियस रेड कलर यूजली इन द ज्वेलरी, आप कह रहा जो रेड कलर ज्वेलरी में उपयोग किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कोरेलियम, उसे क्या कहते हैं, कोरेलियम के नाम से जाना जाता है। तो ये था कोलेंट्रेटा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अभी इसी में मेट्रीडियम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, मेट्रीडियम पढ़ेंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यही देखिए क्या दिया गया है, ये आरेलिया पढ़ेंगे, आरेलिया के बाद आगे बढ़िए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत कुछ है। उसके बाद ओबिलिया को पढ़ेंगे, चूंकि ये सब अलग अलग टॉपिक दी गई, ओबिलिया में बहुत सा प्रश्न है। फिर हाइड्रा को पढ़ेंगे, हाइड्रा भी आपका पूछा गया है, ठीक है। हाइड्रा के बाद अभी खत्म नहीं है, घबराइए मत, हाइड्रा है, हाइड्रा के बाद जो है आपके प्रीवाई क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीफेन वाला पूछा गया, मैंने कहा था आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पैरासाइट वाला पूछ लिया गया, देखो। और उसके बाद ये देखिए सीफर वाला ऊपर आया था ना, सीफर, ये कैसे ओबिले गैंग्लूटा लग गया, देखिए। अच्छा ठीक है, मिला लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देखिए आपका जो है ये देखिए सबका मूंगा वाला पूछ लिया गया, देखो ये, देखो ये पूछा गया है कि रेड कलर मूंगा का क्या नाम है, कोरेलियम रुबरम जो है, ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखिए ये सभी हैं, इसमें से हमने फिल्टर कर दिया, जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए थे तो उसको मैंने हटा दिया, एक ही बार रखा, तब भी देखिए दो बार आ गया है, ठीक है। मशरूम कोरल अभी ऊपर आया था, किसको कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने दो तरह से प्रश्न को बनाया, मैं आपको शुरुआत में भी दिखाया था, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दो तरह के प्रश्न है। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ, जल्दी से भाग के, हाँ जल्दी आओ, हाँ चलो एक सेकेंड बस। हाँ ये देखिए मैंने यहाँ से आपसे कहा था टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आपका टॉपिक वाइज भी है, प्रीवियस ईयर भी है, इसका मास्टर वीडियो भी आपको मिलता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। तो आप जरूर जुड़ें, जरूर व्हाट्सअप करें, जरूर इसका मटेरियल लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।